देखी ये अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ थी पहले, अभी अप्रूव्ड हुई। आज अमर विहार में 18 लाख की एक गली का मैंने उद्घाटन किया और यहाँ केसर नगर में 25 लाख की गली तो जल्दी बन के तैयार होंगी। और हमारा प्रयास है कि जो गलियाँ पहले अनअप्रूव्ड थी, जो एरिया अनअप्रूव्ड था, वो एरिया अब अप्रूव्ड में आ गया। और मैं समझता हूँ जो पिछले बहुत लंबे टाइम में जितनी सारी कॉलोनियाँ अप्रूव्ड की पिछली सरकारों में, उससे 3 गुना ज़्यादा जो हैं वो अभी सरकार ने अप्रूव कर दिया और आने वाले टाइम में और भी अप्रूव करेंगे। और हमारा प्रयास है कि शहर में कोई भी एरिया ऐसा ना रहे जो अनअप्रूव्ड है और वहाँ विकास ना हो, तो हमारा प्रयास है कि सारा का सारा विकास कंप्लीट होना चाहिए। बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जहाँ पहले सारा शहर में मैक्सिमम जो एरिया था वो अनअप्रूव्ड था और वहाँ काम नहीं होता था, अब मेरा मानना है कि 1000 से भी ज़्यादा जो कॉलोनियाँ हैं वो अप्रूव्ड की है और उसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ यमुनानगर इसकी है, नगर निगम की है, तो उससे काफ़ी लाभ है लोगों को। ये बहुत बड़ा काम है, चाहे कॉलेज बनाने की बात है, यहाँ एक ही कॉलेज होता था, अब 5 कॉलेज और बन गए। ITI यहाँ 2 ही होती थी, सिडौरा और यमुनानगर, अब ITI भी हर हल्के में ITI बन गई, एक हल्के में दो ITI बन गई। ऐसे ही हॉस्पिटल जो 6-6 बेड के थे वो 30-30 बेड के और 50-50 बेड के बन गए। और हमारा जो यहाँ शहर का जो मतलब यमुनानगर का था 100 बेड का था, वो 200 बेड का बन गया। और मेडिकल कॉलेज मंजूर हो गया जिसपे बड़ा जोर शोर से काम लग रहा, तो उसमें भी 300 बेड का हॉस्पिटल उसमें भी है। तो मैं समझता हूँ कि पहले से कई गुना ज़्यादा काम, मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से पार्टी तैयार है। और आज भी हमारा प्रोग्राम है, जो हमारी प्रबंधन समिति है उसकी बैठक है, कल जो हमारे त्रिदेव हैं और त्रिदेव से ऊपर के कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक है। तो भाजपा जो है पूरी तरीके से संगठन पर आधारित पार्टी है और वो संगठन को सक्रिय रखती है। तो बिल्कुल जो मोदी जी ने कहा है कि 370 सीटें जीतनी, तो निश्चित तौर से हरियाणा से 10 की 10 सीटें जीतेंगे।